हॉस्पिटल की जर्नी हमारी ख़त्म होती है और आज मैं जा रही हूँ वापस अपने घर अपने बेटे के साथ, और अच्छा लग रहा है, बहुत हॉस्पिटल से मुक्ति मिली है और अब घर में जर्नी शुरू होने वाली है और मेरे लाइफ का तीसरा चैप्टर शुरू हो रहा है। फर्स्ट चैप्टर मेरे हस्बैंड के साथ था, सेकंड चैप्टर मेरे बड़े बेटे के साथ था और थर्ड चैप्टर मेरे छोटे बेटे के साथ शुरू होने वाला है। ये थर्ड चैप्टर की जो जर्नी है वो कैसी रहेगी, और ये हम पहुंच गए हैं घर, जहां मेरे घर की दो लड़कियों ने हमारा वेलकम बहुत ही शानदार तरीके से किया। मुझे अच्छा लगा कि घर में जो उनसे हो पाया वो उन्होंने किया। मेरी जेठानी की दो बेटियां हैं, जो कि मैं ये नहीं कहूंगी कि वो मेरी बेटियां नहीं हैं, वो मुझे बिल्कुल माँ की तरह प्यार करती हैं और मुझे प्यार से सू माँ बुलाती हैं, तो मुझे धूप न लग जाए इसलिए उन्होंने छाते का भी इंतज़ाम कर रखा था। और मैं घर पहुंच चुकी हूं, मैं घर के अंदर जा रही हूं और शिवाय को हमने ले लिया है साथ में। इसके पहले वो नाना नानी के पास था, पर आज वो हमारे साथ है, हमारे पास है, तो वो भी आ गया है और वो बहुत ही हैप्पी है क्योंकि घर में कुछ कुछ अलग है और एक नया मेंबर उसके साथ आ रहा है। ये मेरी जेठानी है जो छोटे बेटे को मेरे लेकर अंदर जा रही हैं। ये उन्होंने फूल की पंखड़ियों से वेलकम किया था हमारा और ये हम घर के अंदर जा रहे हैं। हम बिहारियों में बहुत सारे नियम होते हैं हर एक चीज़ को लेकर, तो अब हमें क्या एक विधि होती है नहाने की एक विधि होती है, तो उसके पहले नहाने से पहले भी छोटी छोटी कुछ रस्में होती हैं जो अभी होंगी, तो ये उसको करने के लिए हमारी बड़ी ननद आई हुई है जो कि हमारे लोकल में ही जिनकी शादी हुई है। और शिवाय बहुत ही खुश है, उसे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, इधर उधर से सिर्फ दौड़ रहा है, तो वो खुश है, बहुत खुश है। और मेरे घर की दोनों बच्चियां भी बहुत खुश है क्योंकि दो बच्चियां थी और एक भाई था, तो अब दो लड़कियां और दो बेटियां और दो बेटे हो गए हैं, तो हिसाब बराबर हो चुका है। और ये कुछ कुछ रस्म हो रही हैं, दिया जलते हुए दिए को फोड़ना पैर से, और चावल को हाथ में लेकर हम छोड़ रहे थे 5 times, और फिर उसके बाद से बच्चे को मैंने गोद में लिया, फिर नीम के पानी को बॉयल किया, वो पानी से हम नहाते हैं। और ये हमारी बड़ी ननद है जो कुछ कुछ नियम कर रही है, हमारा नज़र उतार रही है। और ये मेरी बड़ी बेटी है जो कि बड़ी थाली बजानी होती है पीतल की, लेकिन यहाँ अभी तुरंत से अवेलेबल नहीं हो पाया, तो वो छोटी सी प्लेट है उसे वो बजा रही है चम्मच से, उसकी आवाज़ आपको पीछे से धीरे धीरे आ रही होगी। तो बच्चे के हिसाब से सब कुछ अरेंजमेंट है, बच्चा छोटा है तो थाली भी छोटी सी है, चम्मच भी छोटी सी है। और ये दीदी हैं वो अब नज़र उतार रही हैं मेरा और मेरे बच्चे का। तो इधर भी बिहारियों में रस्म कभी ख़त्म नहीं होती है, मौके होने चाहिए बस, और मौका मिल ही जाता है हमें, छोटा मौका हो या बड़ा मौका हो, हम सब मौक़ों को बहुत ही अच्छे से इन्जॉय करते हैं। और उसके बाद ये सब हो जाने के बाद मैंने ये दिया, मुझे जलता हुआ दिया जो है उसे मैंने फोड़ कर और फिर मैं अंदर जा रही हूँ। तो ये हमारा एक रस्म ख़त्म हुआ, नहाना का रस्म। थोड़ी देर में नाई आएंगे, बारबर जिन्हें कहते हैं आप लोग, बहुत लोग जानते होंगे नाई, वो आएंगे हमारे नेल्स काटेंगे, मेरा मेरे बेटे का नेल्स कट करेंगे। और ये मेरे रूम को इन्होंने डेकोरेट किया है, तो ऊपर लिखा हुआ है बेबी और ब्लू बैलून्स है, और बेड पे ये हार्ट बना हुआ है गुलाब की पंखुड़ियों से। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश कि सभी लोग इतने ज़्यादा खुश थे और मेरे वेलकम के लिए इतनी गर्मी में जो हो सका उनसे उन्होंने ये किया। और शिवाय तो बहुत ही खुश है, मैं क्या बताऊँ, उसे बहुत मज़ा आ रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे करना क्या है। खैर उसे लग रहा है कि हैप्पी बर्थडे है, तो वो हैप्पी बर्थडे बोल रहा है, खैर हैप्पी बर्थडे की के बराबर है। थैंक यू सो मच माय फैमिली मेंबर्स, थैंक यू सो मच।
देखा भी कोई नहीं।